अल्लाह भला करे कायदे सिंध मौला राशिद महमूद खाली सुमरों का, अल्लाह भला करे कायदे जबियत मौला फज़ल रहमान का। रब्बे काबा की कसम है अल्लाह ने उसके बुढ़ापे को कबूल कर लिया। जब तक हमारी जिंद जान बाकी रहेगी कायदे जबियत तेरी हिमायत होती रहेगी, तेरा साथ देते रहेंगे। मैदान में बुलाएगा मैदान में आएंगे, मस्जिद में बुलाएगा मस्जिद में आएंगे, रोड पे बुलाएगा रोड पे आएंगे। कह दो ना कायदे जबियत मौला फज़ल रहमान, जबियत उलमाए इस्लाम, कायदे सिंध मौला राशिद खालिद बाबू सुमरो, अल्लाह दुनिया का मेरे चांद कुफर है, पूरी दुनिया का कुफर है। इस वक्त मेरे अजीजों मुसलमानों को उनके अजाइम से हटाना चाहता है इस्लाम नमाज से। खुदा के वास्ते हमारी तो बदनसीबी है, हमें तो हुकूमत ही ऐसी मिली जो हमें कुरान का बागी कर रही है, अल्लाह अकबर जो नमाज का बागी कर रही है। अल्लाह भला करे कायदे सिंध मौला राशिद महमूद खाली सुमरों का, अल्लाह भला करे कायदे जबियत मौला फज़ल रहमान का। रब्बे काबा की कसम है अल्लाह ने उसके बुढ़ापे को कबूल कर लिया। इस ज़ौफ़र बुढ़ापे के आलम में गली गली नगर नगर पैगामे मुस्तफा सुना रहा है, पैगामे कुरान सुना रहा है। पूरी बातिल के सामने उनको नाक की नकेल डालकर, बेशक वो हुकूमत के ओहदे पर हो जाओ लेकिन मर्द कलंदर अपने दरवेशाना अंदाज में हक और बातिल का फर्क जो बार बार बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वादा किया अपने रब से, जब तक हमारी जिंद जान बाकी रहेगी कायदे जमीयत तेरी हिमायत होती रहेगी, तेरा साथ देते रहेंगे। मैदान में बुलाएगा मैदान में आएंगे, मस्जिद में बुलाएगा मस्जिद में आएंगे, रोड पे बुलाएगा रोड पे आएंगे। ना डरेंगे ना बिकेंगे ना झुकेंगे, हमारा हाथ तेरे हाथ में, हम तेरे कदमों के पीछे लबैक कहेंगे। ए कायदे जमीयत इस्लाम के निफास का निनाब का बेड़ा उठाना तेरा काम है, तेरी आवाज पर लबैक कहना दरिया खान मरी वालों पूरे पाकिस्तान वालों का काम है। कह दो ना कायदे जमीयत मौला फज़ल रहमान, जबियत उलमाए इस्लाम, कायदे सिंध मौला राशिद खालिद बाबू सुमरो, अल्लाह अकबर इस्लाम, जबियत उलमाए इस्लाम। मेरा जी जो इलेक्शन आ रहा है, ईमानदारी की बात है, तुमने वोट लेने वालों को वोट दिए, तुम दुआ देने वालों को वोट दो। और लोगों खोखले नारे लगाते लगाते तो 50-50 साल हो गए, इस मरतबा जरा हिम्मत कर अपनी माल की ताकत दिखाकर जबियत को आगे लेके आओ, उलमा को आगे लेके आओ, कुरान नबी के वारसों को आगे लेके आओ। जब ये असम्बलियों के, जब मदरसे के अंदर बैठकर इन्होंने हमारी नस्ल को सुधार दिया, जब ये असम्बलियों के अंदर आ जाएंगे खुदा की कसम खुदा के बंदों को सुधारेंगे, रब की धरती पर निफाज़े शरीयत का क़याम होगा। ये फिकर ये कुड़न ये तलब मेरे मैं आपके पास लेके आया। रात के 2 बज रहे, शबे जुमा की रात है, एक फिकर प्राइवेट के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के मुसलमान आए हुए हैं और वो फिकर लेके बैठे हैं कि दीन मेरी जिंदगी में सारे आलम में आ जाए। एक फिकर आप यहाँ लेके बैठे, खुदा पाक की कसम के दीन का इस्लाम का परचम पूरी दुनिया के अंदर बुलंद हो जाए। इस परचम के बुलंद होने में अल्लाह अकबर जमीतुल माए इस्लाम का साथ दोगे, इलेक्शन आ रहा है दुआ और वोट के साथ दोगे, खुदा के घर के दरवाजा करो, कौन कौन अल्लाह अकबर उलमा इकराम को वोट के जरिए आगे लेके आएगा। नियत करते हो सारे इंशाल्लाह, मेरी दी बेड़ी भी अल्लाह अकबर अल्लाह से वादा कर ले कि इंशाल्लाह अब दीनी जमातों की क़यादत करेंगे, दीनी जमातों को आगे लेके आएंगे। मेरे साथ नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा तकबीर, ताज़ो तख़्ते नबूवत, शाने सहाबा, जबीतुल माए इस्लाम, कायदे जरियत मौला फज़ल रहमान, कायदे सिंध मौला राशिद खालिद बाबू सुमरो, इस्लाम को जिंदाबाद, मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हारी ऊपर बरकत फरमाए। ये तश्कील उधार किया कि इंशाल्लाह करेंगे, अब एक काम इंशाल्लाह कल से करना है, खत्मे नबूवत के सदके अल्लाह ने ये काम लोगों की भलाई का काम मेरे जिम्मे लगाया, आपके जिम्मे लगाया। इस उम्मत के जिम्मे 2 काम ये है, खुद भी भलाई पे खड़ा होना, दूसरों को भलाई पे लाना है, खुद बुराई से बचना, दूसरों को बुराई से बचाना है। अल्लाह के फज़ल करम से पिछले 2 महीने पहले ये वादा में हजरत बिलाल हबशी की कब्र पे खड़ा होके करके आया, ये वादा में सुलेमान फारसी से करके आया, ये वादा मेरे अजीज हजरत हुसैन हजरत अब्बास की कब्र पे करके आया, ये वादा में हजरत मौला अली की कब्र पे करके आया, ये वादा मेरे अजीज अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की कब्र पे करके आया, ये वादा बाबू सगीर कब्रिस्तान में सहाबा की कब्रों पे करके आया।
जब तक सांस बाकी रहेगी खत्म नबूवत की चौकीदारी होती रहेगी, अल्लाह के दिल का काम होता रहेगा। क्या आप इस इरादे में इस अजब में मेरा साथ दोगे? मस्जिदों को आबाद करोगे? कुरान की तालीम को घरों में आप करोगे? सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे? सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे? सुन्नत के मुताबिक बाजार का माहौल दुरुस्त करोगे? कारोबार सुन्नत के मुताबिक करोगे? ये सुन्नत मेरे अंदर सारे आलम में आ जाए, इसकी फिक्र भी करनी है और जिक्र भी करना है। फिक्र ये अपनी नमाजों में दुआओं में अल्लाह से मांगना है, कुरान की तिलावत करके रोके अल्लाह से।